नमस्कार, दिनभर की टॉप खबरों के लिए जिला टॉप में आपका स्वागत है। तो आइए रुक करते हैं दिनभर की खास खबरों की ओर। पहली खबर में आपको बता दें कि आज पोड़ियाहाट थाना क्षेत्र के धमसुख गांव में शराब के नशे में धुत युवक ने पीट पीट कर अपनी मां की हत्या कर दी। हत्या शनिवार को ही की गई थी। वहीं पोड़ियाहाट थाने को रविवार को सूचना मिली, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोड्डा लाया गया, पर सूर्यास्त होने के कारण शव को पोस्टमार्टम सोमवार को हुआ और शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक का नाम संजली हासदा, उम्र 61 वर्ष है। वहीं अब आरोपी बेटे का नाम लखन बताया जा रहा है, जो मृतिका का एकलौता पुत्र था। दूसरी खबर में आपको बता दें कि गोड्डा नगर की राजनीति अब गर्म हो चुकी है। कभी पार्षदों का अध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ बयानबाजी, तो कभी एक पार्षदों का दूसरे पार्षदों पर। इस बार भी पार्षद ही पार्षद के विपक्ष में है, जहां एक पार्षद के विपक्ष में 21 में से 17 पार्षद खड़े हैं। दरअसल सभी 17 पार्षदों का कहना है कि वार्ड नंबर 6 के पार्षद प्रीतम गाड़िया ने आवास के खिलाफ गलत आवाज उठाया है। वहीं वार्ड नंबर 6 के पार्षद प्रीतम गाड़िया का कहना है कि गोड्डा में 2000 मकान आवंटित हुए हैं, जो गलत तरीके से हुआ है। इधर इसी के विरोध में सभी पार्षदों ने इसका विरोध किया है। तीसरी खबर में आपको बता दें कि अडानी कंपनी के CSR फंड से बन रहे महागामा अस्पताल भवन निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष इरफान काजी और कांग्रेस के कार्यालय प्रभारी विपिन बिहारी सिंह ने संयुक्त रूप से कार्यस्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने की बात कही गई। हालांकि उन्होंने बताया कि संवेदक के द्वारा प्रकलन के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। अगली खबर में आपको बता दें कि गोड्डा जिला के महागामा थाना क्षेत्र के दिक्की गांव से एक 15 वर्षीय लड़का मोहम्मद अशफाक कल से ही गुम हो गया है, जिसकी खोजबीन लगातार उनके माता पिता कर रहे हैं, लेकिन अब तक वह बच्चा घर नहीं आया है। वहीं अशफाक के पिता जावेद आलम ने बताया कि हर दिन की भांति उनका लड़का कल सुबह के 6 बजे ट्यूशन के लिए गया हुआ था, इसके बाद अब तक यह बच्चा घर नहीं लौटा है। इसको लेकर अशफाक के पिता ने महागामा थाने में गुमशुदगी का आवेदन भी दिया है। अगर किन्हीं को ऐसा बच्चा नजर आए तो वह उनके पिता से संपर्क कर उन्हें सूचना दे दें। अगली खबर में आपको बता दें कि साहेबगंज जिला के मंडरो प्रखंड कार्यालय में आज प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमान मरंडी के स्थानांतरण के उपरांत विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी की उपस्थिति जनप्रतिनिधियों एवं कार्यालय के कर्मियों के द्वारा उन्हें अंग वस्त्र और फूल का माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिनिधियों ने BDO श्रीमान मरंडी के कार्यशैली के साथ उनके विचारों को भी सराहा। अगली खबर में आपको बता दें कि आज पाकुड़ जिला के महेशपुर में बाबा जगन्नाथ रथ यात्रा कमेटी की ओर से भगवान जगन्नाथ के रथ को सजा धजा कर निकाला गया। वहीं रथ यात्रा हाटपाड़ा से निकलकर भगतपाड़ा दत्तापाड़ा होते हुए राजबाड़ी तक घुमाया गया। रथ यात्रा में महिला एवं पुरुष भक्तों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। वहीं इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के गीतों पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। मौके पर संतोष साहा, आशुतोष कुमार, काजल कुमार, नंदू दास समेत कई भक्त उपस्थित थे। और अंत में आपको बता दें कि पाकुड़ के पोखरिया में एक हाइवा ने दूसरे हाइवा को पीछे से मारी टक्कर, वाहन बुरी तरह हुई क्षतिग्रस्त। दरअसल आज महेशपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया के समीप एक खड़े हाइवा में पाकुड़ के अमड़ापाड़ा की ओर से आ रही दूसरी हाइवा ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें हाइवा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस घटना में चालक एवं खलासी बाल बाल बच गए। उधर घटना की सूचना पुलिस को हुई, इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई।